अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं नताशा केस के बारे में। नताशा केस जो कारसाज इंसिडेंट के मुताबिक मशहूर है, जो कराची में इंसिडेंट हुआ था। एक लड़की ने दो बंदों को किल किया था, जिसमें से एक बालिग और उसकी बेटी थी। उस केस के बारे में एक न्यू डिटेल आई है कि एक रिपोर्ट आई है कि शी वॉज इन आइस में मुब्तला थी, जो शराब था, एक किस्म के नार्कोटिक्स से। ऐसे कह सकते हैं कि आइस एक ऐसी चीज है, नशा है जिसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो वो उसमें मुब्तला थी या नहीं थी, अब ये रिपोर्ट आई है, रियलिटी क्या है, ये आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ताकि पिछली वीडियो में जो हमने बताया था कि आपको कि इसने लड़की ने कौन कौन सा ऑफेंसेस किया है, लॉ के तहत क्या उसकी सजाएं बनती हैं, और पिछली वीडियो में हमने आपको ये भी बताया है कि शी वॉज दो सेशंस में फंस चुकी है। वन इज कत्ल बिसबब और दूसरा था कत्ल खता। और उसके बाद आए हमने उसकी केस की इंफॉर्मेशन दी कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुई और कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों ने कोई डील्स बताई और उसके एडवोकेट्स ने कुछ उसको कहा कि शी वॉज नॉट मेंटली फिट टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स और हियरिंग्स। तो जज ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। और अब उसके बाद दूसरी रिपोर्ट आ चुकी थी कि पहले वो कह रहे थे कि वो मेंटल इनकैपेबल है, यानी वो कैपेबल नहीं थी गाड़ी चलाने के लिए, वो चुपके गाड़ी उसने चलाई है। तो ये ETC हमने बात पिछली वीडियोज में की है। तो आज एक न्यू बात आ गई है सामने इस केस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहाँ पे हम करंट इश्यूज को लॉ के तहत सॉल्व करते हैं और लॉ लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी करंट इश्यूज होगा पाकिस्तान में हम उसको लॉ के तहत सॉल्व करते हैं। कि जो रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट और कुछ ब्लड के सैंपल्स दिए गए थे नताशा के, अब उस रिपोर्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट वाजे हुई है कि शी वॉज, यानी उसने एक आइस जो शराब था या नशा था कह सकते हैं, नार्कोटिक्स था, पी रखा था, जिसकी वजह से शी वॉज ड्राइविंग अ रश कार, यानी वो रश गाड़ी स्पीड से चला रही थी, उसके पास होश आवास नहीं था। इस वजह से क्योंकि उसने एक आइस पी रखा था। अब आइस के भी सेक्शंस लगेंगे। दूसरे सेक्शंस हैं कि जो आइस एक सेक्शन से आइस ले जाना वो इस पे नहीं होगी, दूसरे सेक्शन से कोई बंदा पीए इट्स एन ऑफेंस, पीना भी एक ऑफेंस है, आइस पीना शराब पीना इज आल्सो एन ऑफेंस और इसके कुछ सजाएं भी हैं, दैट शी विल बी कैपेबल फॉर दैट। और उसने कहा कि ये रिपोर्ट फौरन जल्द ही हम सिटी कोर्ट जज के पास पेश करेंगे और ये एक केस का हिस्सा बन चुकी है कि शी वॉज ड्रिंकिंग एन आइस। अब ये एक दूसरा केस का मोड चला गया। अब अगर इसने आइस पिया है तो अब दो कालम लगेंगे फिर से, एक कत्ल खता और एक कत्ल सबब बेसबब। अब कत्ल खता में क्या होगा, बस दोनों में फर्क एक चीज का है, दोनों में विदाउट इंटेंशन होगा, मगर एक चीज का फर्क है, इसमें आपका लॉ इजाजत देता है, यानी कि अगर इसके पास लाइसेंस होगा कार का तो शी इज कैपेबल फॉर पनिशिंग कत्ल खता, और अगर इसके पास लाइसेंस नहीं है शी शुड बी पनिश्ड फॉर कत्ल बिसब। तो ये था आज की डिटेल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब।